वेलकम इन अरमान इंग्लिश क्लासेस। आज अपने पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच और इसी को कहते हैं नरेशन और इसी को कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो नरेशन होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक तो डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच जिसको बोलते हैं और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है ये है असर्टिव सेंटेंस और ये है डायरेक्ट स्पीच का। ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच का है, इसको अपने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो डायरेक्ट स्पीच की पहचान ये है कि इसमें जो बात कही गई है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी होगी और जैसी बात कही गई है वैसी वैसी लिखी होगी। अगर वही बात कोई तीसरा व्यक्ति कहे तो वो होगी इनडायरेक्ट स्पीच। इसको कैसे चेंज करना है, कौन से रूल इसमें अप्लाई होंगे, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहले अपने देखते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसके दो पार्ट कौन से हैं। इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। जैसे इसका ये वाला जो पार्ट है यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अलावा ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसका जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें एक बात नोट कर लीजिए कि जो इसका सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये इसकी सब्जेक्ट हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो वर्ब है वो सेंटेंस के अनुसार बदलेगी। जैसे ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है ही ईट्स मैंगो ये वाला, तो इसलिए उसी हिसाब से सेड या सेड टू को चेंज करना है। एक बात ये, तो इधर इतना ही परिवर्तन होगा कि इसके सब्जेक्ट और इसके ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये इसका सब्जेक्ट और ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन होगा वो सिर्फ सेट टू में और वो होगा सेंटेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार नहीं, वाक्य के अनुसार। अगर वाक्य सिंपल है तो सेट टू को टोल्ड में चेंज करना होता है। जैसे ये वाक्य है तो इसमें सेट टू टोल्ड में चेंज होगा। तो आज अपने असर्टिव सेंटेंस ही करेंगे। तो ही और मी यानी कि इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा सेट टू में, यानी कि इसके दो पार्ट अपने बढ़ा ही लिए। तो सेट टू को बदलना है टोल्ड में। जो सिंपल सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है उसके अंदर अगर अकेला सेड आए तो सेड का सेड ही रहेगा सेम, और अगर सेड के साथ टू आए तो उसको बदलना है अपने टोल्ड में। ये ध्यान रखिएगा कि सेड टू को टोल्ड में बदलना है और अकेला सेड आए तो सेड का सेड ही रहेगा। सेड टू को बदलना है टोल्ड में, अकेला सेड आए तो सेड का सेड ही रहेगा। ही सेड टू मी, क्योंकि यहाँ पे सेड टू है इसका मतलब इसको अपने बदलना है टोल्ड में, तो सेड टू को टोल्ड में बदलना है। लिखते हैं ही सेड टू को बदलना है टोल्ड में और मी का रहेगा मी। इतना क्लियर। उसके बाद इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग होगा। तो जो सिंपल सेंटेंस असर्टिव है उसमें कंजक्शन लगेगा दैट। तो यहाँ पे अपने इनको जोड़ने के लिए जहाँ पे लाइन लगाई है दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इसमें प्रयोग होगा दैट का। तो ही टोल्ड मी कनेक्टिव लगेगा दैट। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इधर वाला जो सेंटेंस है बाकी परिवर्तन इसी में होंगे, इसमें इतना ही परिवर्तन होगा, यानी कि सेट टू को बदल दिया अपने टोल्ड में और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी ही और मी में कोई परिवर्तन नहीं है। और क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है, इसकी पहचान जैसे सब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप, तो ये इसकी पहचान सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से ये सेंटेंस बनते हैं। तो असर्टिव जो सेंटेंस है उसमें सेट टू को टोल्ड में बदलना और वो बदल दिया है, उसके बाद इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता और उसके बाद कनेक्टिव बीच में लगेगा दैट।
अब दैट लगाने के बाद अपने को यहाँ पे पहला रूल अप्लाई करना है, वो है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउंस को बदलना। और दूसरा जो रूल है वो होता है वर्ब संबंधी परिवर्तन, ये यहाँ पे लागू होगा। दूसरा रूल वर्ब पर, पहला होगा प्रोनाउन पर यानी कि इसका जो दूसरा वाक्य है उसके सब्जेक्ट पर, और दूसरा होगा वर्ब पर लागू। इसके अलावा टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन होता है, कुछ शब्द है उनको चेंज करना होता है। तो वन बाय वन करके प्रत्येक रूल को देखेंगे, लेकिन पहले इस सेंटेंस को बना लेते हैं और आगे अपने रूल पढ़ते चलेंगे। ही टोल्ड मी दैट तक अपने बना लिया है। अब जो ही है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, तो इसमें लिखा हुआ प्रोनाउंस को बदलना। प्रोनाउंस ही कहाँ पे है, ही यहाँ पे, ही यहाँ पे, और ये आता है थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में मतलब एन का मतलब नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सेम का सेम, ही का ही लिख देना, ही ही लिखने के बाद अपने को देखनी है वर्ब। वर्ब है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में बदलेगी। आगे अपने इसके जो रूल हैं वो सारे पढ़ेंगे। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सेकंड फॉर्म में उसको चेंज करना है। यहाँ पे ईट है तो ईट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी एट, और मैंगो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैंगो का मैंगो रहेगा। ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है, लेकिन इसके जो पूरे रूल हैं वो अपने अभी आगे पढ़ेंगे। अब पहला जो रूल है वो है प्रोनाउंस को बदलना, यानी कि इसमें जो प्रोनाउंस है उनको किस प्रकार बदलना है, प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे करना है। जैसे एस का मतलब यहाँ पे है सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। पहले इनका ध्यान रखना, एस का सब्जेक्ट, ओ का ऑब्जेक्ट और एन का नो चेंज। अब आई और वी आए तो अपने को सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है। अब मैं एक जो नीचे सेंटेंस है ये वाला, इसके हिसाब से अपने देखते हैं कि यहाँ पे आई है तो आई जो है वो कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से, ये वाला भाग जो रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं। अब मैंने पहले बताया था कि ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब और ये वाला रिपोर्टेड स्पीच आरएस, तो ये जो आई है वो इसके हिसाब से चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर मान लो यहाँ पे यू होता, इस जगह आई की जगह यू होता ये वाला, तो अपने को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना, यानी कि आई को फिर मी के हिसाब से चेंज करते। तो आई है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इसका मतलब ये जो ही है ना, ही को उठा के और यहाँ आई की जगह रख देना है, आई यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा ही। तो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है आई वी वो होंगे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। मान लो यहाँ पे सी होता तो आई की जगह सी आ जाता, आई की जगह आ जाता सी। तो इसको इतना ध्यान रखना है कि जो आई है उसको सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वो जो सब्जेक्ट है वो यहाँ लिख देना है आई और वी की जगह। और सेकंड पर्सन यानी कि यू, मान लो यहाँ पे यू होता तो यू चेंज होता ऑब्जेक्ट के अनुसार, और इसके अलावा कोई भी है ये तीनों, यानी कि आई वी और यू, ये तीन के अलावा थर्ड पर्सन में आते हैं बाकी सारे, और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें जो पॉकेट रूल है वो देखो, पॉकेट रूल ये है एस और ओ, याद रखो वन टू, इसमें लिख लो वन मतलब यहाँ पे आई लिख लो, वी और यू, इतने ध्यान रखना है। आई आई फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब सेकंड पर्सन। आई आई तो सब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहाँ पे वी होता तो भी सब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहाँ पे यू होता ये वाला यू
तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते, यू होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते, मी के अनुसार। तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, इसको पूरा ध्यान से देखना है कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई भी हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन यू हो ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अलावा कोई भी है उसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अपने को देखने हैं इनके रूप, जो प्रनाउंस हैं उनके तीन तीन रूप होते हैं, वो रूप कौन से हैं। पहला नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव इसलिए कि ये सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं सारे। पॉजेसिव यानी कि ये अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेके आएंगे। और ऑब्जेक्टिव यानी कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम आने वाले प्रनाउंस हैं। अब एक जो प्रनाउन है उसके तीन रूप हैं, ध्यान रखना, आई माई मी वी ओवर अस, यू योर यू, दे देयर देम, ही हिज हिम, सी हर हर। तो इन सभी को आप नोट करके, यानी प्रनाउन को बदलना, प्रनाउंस को बदलना, ये वाले रूल्स और साथ में ये वाले, इन सभी को नोट करके या वीडियो को, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लर्न कर सकते हो। तो इनको अच्छी तरह लर्न करने के बाद ही अपने को ये समझ में आएगा। अपने बनाते हैं सेंटेंस को प्रत्येक रूल करने के बाद, जो एग्जांपल है वो दिए गए हैं। जैसे ही पीछे वाला, जैसे अपने किया है, सेट टू को टोल्ड में बदलना है, सेट टू को टोल्ड में बदलना है सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद आएगा मी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इतना आपको पता चल गया होगा। और इन दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव जो लगेगा वो लगेगा दैट। अब दैट लगाने के बाद अब अपने को देखना है आई, ये जो अभी रूल किया है ये यहाँ पे लागू होगा, फर्स्ट रूल, पहला रूल यहाँ पे लागू है फर्स्ट। आई जो है वो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार, ये वाला आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आई की जगह ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट लिख दो ही, हो गया क्लियर। यानी कि ये जो आई है इसकी जगह ये वाला सब्जेक्ट, रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ले लेगा ही। और स्पीक, ये दूसरा रूल है जो अपने आगे करने वाले हैं, लेकिन पहले मैंने बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्पीक फर्स्ट फॉर्म है तो इसको बदल दो सेकंड में, ही स्पोक, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश। तो ये जो ऊपर एग्जाम्पल है दिया गया है वो इस प्रकार बनेगा, ही सेट टू को टोल्ड में बदल दिया, एक बदलाव यहाँ होना है, दूसरा यहाँ पे कनेक्टिव लगना है, कंजक्शन कनेक्टिव संयोजक वो लगा है दैट, दोनों को जोड़ने के लिए। यहाँ तक क्लियर होने के बाद फिर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके सब्जेक्ट पे पहला रूल लागू होगा। वो रूल ये है कि यदि फर्स्ट पर्सन के प्रनाउन हो तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, जो कि अपने जो ही है उसको लिया है यहाँ पे। उसके बाद मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म उसको सेकंड फॉर्म में, ये दूसरा रूल आगे करेंगे अभी, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना। और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बन गया, ही टोल्ड मी दैट ही स्पोक इंग्लिश, क्लियर। अब देखते हैं आगे, इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सी बनाने की कोशिश कीजिए, और हिम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बदलाव कहाँ कहाँ होना है पहले नोट कर लें तो बढ़िया रहता है। सेट टू को पहला इसको चेंज करना है, फिर लगाना है कनेक्टिव, फिर यहाँ पे और यहाँ पे ये परिवर्तन होने हैं। यानी कि ये जो इसकी वर्ब है इस पे परिवर्तन, यहाँ पे सी कनेक्टिव लगेगा, और इसका जो फर्स्ट रूल यहाँ पे लागू और दूसरा रूल यहाँ पे लागू, इतने रूल है, इनको याद कर लो। जैसे सी और सेट टू को इसको बदलना है, इसको बदलना है टोल्ड में, सी टोल्ड, और हिम का हिम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे लगेगा कनेक्टिव दैट, कनेक्टिव दैट। अब यू है, यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू क्योंकि सेकंड पर्सन के प्रनाउन है, एस ओ, ये मैंने आपको वहाँ लिखा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट।
एक और दो, यहाँ पे आई और वी, तो यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए ऑब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा, तो इसका ये सब्जेक्ट और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये पहले अपने देखा ही है। तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, हिम के अनुसार चेंज होगा यू, तो हिम के लिए यहाँ लगेगा। अब हिम जो है वो प्रोनाउंस का थर्ड रूप है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव रूप है, अपने इसको नॉमिनेटिव में लाना है, नॉमिनेटिव में लाने के लिए यानी कि जो आगे के सब्जेक्ट के रूप में, तो हिम किसका है, ही हिज हिम, ही हिज हिम, पीछे जो चार्ट अपने अभी दिखाया था उसके अनुसार ये हिम यहाँ पे है, लेकिन अपने को सब्जेक्ट के रूप में लाना है तो हमको लिखना पड़ेगा ही, तो यहाँ पे लिखो ही, इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, ये सारे रूप आपको याद करने पड़ेंगे। यदि सब्जेक्ट के रूप में तो ये आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा हिम, और ये सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है लेकिन इसके साथ आएगा नाउन, और उसके उसी अनुसार इसको चेंज करना है। तो यू जो है वो हिम के हिसाब से ही, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, और प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेयड, अभी तक मैंने ये कि जो फर्स्ट फॉर्म के सेंटेंस सारे करवाए हैं, आगे करेंगे टोटल टेंस के, तो उसके बाद जो चेस है वो इसका ऑब्जेक्ट है, वो उसको लिख दो चेस। तो सी टोल्ड हिम दैट ही प्लेड चेस, तो सी का सी लिख दिया है, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया है जो कि बदलना है, और हिम का हिम लिख दिया है, और दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ लगाया कनेक्टिव, लेकिन अब जो यू है वो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और यू को चेंज किया है ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम, अब हिम के लिए यहाँ लगाया है ही, और मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको बदला है सेकंड फॉर्म में, ये दूसरा रूल है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड रूल में बदला, ये दूसरा रूल अभी क्लियर करेंगे। उसके बाद है चेस, तो ये सेंटेंस बन गया सी टोल्ड हिम दैट ही प्लेड चेस, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब जिसका मैंने जिक्र किया कि जो दूसरा जो रूल है वो रूल ये है कि टेंस और वर्ब को बदलना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी आपने ये एक ही सेंटेंस किया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, जिसको अपने सेकंड फॉर्म में बदला है, इसके अलावा इनको भी याद करना पड़ेगा। डू डच यदि आए तो अपने को डिड में बदलना है, डू और डच यदि वाक्य में दिया हो तो उसको डिड में बदलना है, इज एम आर आए तो वाज वर्ब में बदलना है, और हैज हैव आए तो हैड में बदलना है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है, ये ध्यान रखना। वाज और वर्ब को हैड बीन में चेंज करना है, और हैड पहले से दिया हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज का मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, और विल और शैल आए तो वुड में बदलो, और कैन आए तो कुड में बदलो, और मे आए तो माइट में बदलो। तो इनको याद किए बिना रिपोर्टेड स्पीच नहीं होगी। अब शॉर्ट में एक बार मैं और बता देता हूँ आपको कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है यानी कि वर्ब एक, उसको वर्ब दो में चेंज कर लो, और डी वाले डू और डच को डिड में बदल दो, और एच एम आर आए तो उसको वाज वर्ब में बदल दो, और हैज हैव आए तो हैड में बदल दो, यानी कि प्रेजेंट जो सारा टेंस है वो पास्ट में चला जाएगा। यदि आपने टेंस कर रखे हैं तो टेंस से भी ये हो जाएगा कि प्रेजेंट का जो सारा टेंस है वो आगे वाले पास्ट टेंस में चला जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो। नहीं तो ये वर्ब इनको याद कर लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में, डू डच को डिड में, इज एम आर को वाज वर्ब में, हैज हैव को हैड में, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और वाज और वर्ब को हैड बीन में, और हैड आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, हैड आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और विल और शैल को वुड में बदलना है, कैन को कुड में, और मे को माइट में। अब ये जो दूसरा रूल है इनको लिख के या तो लर्न कर लो और या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इनको याद तो करना पड़ेगा, इनके बिना रिपोर्टेड स्पीच बनाना असंभव है। अब अपने करते हैं सेंटेंस, तो सेंटेंस है ही सेड टू मी,
इन्वर्टेड कॉमा आई एम राइटिंग ए स्टोरी कॉमा क्लोज। तो ही और मी ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले ध्यान रखो। और उसके बाद अपने को चेंज करना है सेट टू, यहाँ पे चेंज होगा, और उसके बाद करेक्टिव लगाना है। इतना तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। तो ही सेट टू को टोल्ड में बदलो और मी का मी, और कनेक्टिव लगेगा दैट। यहाँ तक अपने कर लिया है। उसके बाद अपने को देखना है ये वाला, यहाँ पे आई लिखा हुआ, आई और वी को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो सब्जेक्ट है ही, तो आई को हटा दो यहाँ से और उड़ा दो आई को। उड़ाने के बाद यहाँ पे लिखो ही, और ही के साथ अब एम लिखा हुआ यहाँ पे एम, तो यहाँ पे एम वाला रूल कौन सा है, ये वाला एम लिखा है, तो एम को अपने चेंज करना है वाज और वर में। तो क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट दे रखा है वो है ही, वाज और वर में चेंज करना, तो ही के साथ लगेगा वाज, ही वाज। उसके बाद आ गया राइटिंग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। राइटिंग, ही वाज राइटिंग, और उसके बाद ए स्टोरी, ए स्टोरी, ये सेंटेंस बन गया। ही सेड टू को टोल्ड में बदल दिया है, मी का मी, और जो आई है उसको यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो आई और वी आते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। तो यहाँ पे ही लिख दिया हमने, ही के साथ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एम है, दूसरा रूल यहाँ पे अप्लाई होता है एम, तो एम यहाँ पे यार इसके लिए लगेगा वाज और वर में से कोई एक। तो यहाँ पे लगा दिया वाज, और वाज के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी जैसे यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद आ गया ए स्टोरी, ए स्टोरी लिख दिया, और ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। अब एक और सेंटेंस है एग्जांपल के रूप में, उसको भी देखते हैं। ही सेड टू हिम, यू रोट ए लेटर, सॉरी आई सेड टू हिम, यू रोट ए लेटर। तो यहाँ पे आई और हिम, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और सेड टू को बदलना है टोल्ड में। तो यहाँ से अपना लिखना शुरू करते हैं, आई सेड टू को बदल दो टोल्ड में, टोल्ड हिम, उसके बाद बड़े प्रेम से बनाते हैं इसको, यहाँ पे लगाना है कनेक्टिव दैट, दैट लग गया। उसके बाद अपने को देखना है यू, यू जो है वो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये वाला ऑब्जेक्ट है हिम, तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ये अच्छी तरह से देख लें। आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार, यू होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब के अनुसार चेंज होने का मतलब यू को यहाँ से उड़ा दो, यू को दिया उड़ा, और यू की जगह ले लेगा हिम। अब हिम जो है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है, तो हिम का जो नॉमिनेटिव केस है यानी कि सब्जेक्ट के रूप में लगता है ही। तो दैट, ये जो चार्ट पीछे दिया गया उसको भी याद करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से याद कर लें, तीनों रूप प्रनाउंस के जो है। तो यहाँ पे लगेगा ही, और ही के साथ रोट, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म को चेंज करना अपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे लगेगा हैड, ही के साथ हैड, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। ये जो ऊपर चार्ट है टेंस का, जो भी आपने याद किया है या जिसको लिखा है, इसको भी लर्न करना है, तो उसमें ये रूल दिया गया है, ही हैड रिटन ए लेटर, आई सेड टू को टोल्ड में बदल दिया है, हिम का हिम, और कनेक्टिव दैट लगा दिया, यहाँ दोनों को जोड़ने के लिए संयोजक के रूप में दैट का प्रयोग, और यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम, और हिम को बदला है ही में, ही दैट के बाद लग गया ही, और ही के बाद ये वाली जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसको चेंज करना हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे लगा दिया हैड रिटन, और उसके बाद ए लेटर और फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा इसमें नहीं लगते। तो ये बन गया रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। दो रूल अपने कर लिए हैं। तीसरा रूल जो है वो सारे सेंटेंसों में लागू नहीं होता, किसी किसी सेंटेंस में जिसमें
ये शब्द दिए हों उसमें चेंज करने हैं, और जिसमें नहीं दिए हों उसमें तीसरा रूल लागू नहीं होगा। दो रूलों को आपने अच्छी तरह, जो जो रूल्स हैं दो, उनको अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन जो तीसरा रूल है, उसमें अगर हियर आए तो उसको देयर में बदलना है, नाउ आए देन में चेंज करो, अगो आए बिफोर में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे। तो इस प्रकार इनको बदलना है। यदि इनमें से कोई भी शब्द आता है तो इनमें आप बदल दो। तो ये वाला जो इतना है इनको लिख के और याद करना है। टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन ये सारे सेंटेंस में लागू नहीं होगा, जिसमें होगा उसमें अपने को इसका हल करना पड़ेगा। तो अपने ये देखते हैं, आई सेड टू हर सी कुक्ड राइस यस्टरडे, तो यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करना है, ये इसका एग्जांपल है। तो आई आ गया, अब सेड टू को बदलना है टोल्ड में, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। और हर का हर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगाओगे, दैट दैट का प्रयोग करो। और सी जो है सी, अब ना तो यहाँ पे आई वी और ना है यू, यानी कि ना फर्स्ट पर्सन और ना ही है सेकंड पर्सन, सी है थर्ड पर्सन, तो सी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी का सी लिख दो। अब जो कुक्ड है वो सेकंड फॉर्म है वर्ब की सेकंड, तो वर्ब की जो सेकंड है उसको हैड प्लस, अभी पीछे वाला एग्जांपल भी सी का था, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो सी के साथ लगेगा हैड, और वर्ब की थर्ड, कुक की सेकंड भी कुक्ड और थर्ड भी कुक्ड। सी हैड कुक्ड, उसके बाद आ गया राइस, राइस के बाद ये यस्टरडे जो है इसको अपने को बदलना पड़ेगा द प्रीवियस डे में, तो यस्टरडे की जगह लिख दो द प्रीवियस डे। आई टोल्ड हर दैट, इतना आपकी समझ में आ गया बिल्कुल। सी जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद ये सेकंड फॉर्म है, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, हैड लगा के हैड प्लस हैड कुक्ड हो गया। उसके बाद राइस, और जो यस्टरडे है इसको अपने द प्रीवियस डे में बदलना है, जो अपने बदल दिया द प्रीवियस डे में। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बन गया। अब अपने एक एग्जांपल और लेते हैं। तो ही सेड टू मी आई शैल टीच टुमारो, तो इसमें जो ही है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको लिख देते हैं ही का ही। अब सेड टू जो है इसमें परिवर्तन होगा टोल्ड, अब सेड टू को टोल्ड में इसलिए बदलते हैं कि ये जो सेंटेंस आगे वाला ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल की सेंटेंस की पहचान होती है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, तो इसमें आई सेल टीच वर्ब हो गया, सेल वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब और टीच होगी मेन वर्ब। आई सेल टीच टुमारो, मैं कल पढ़ाऊँ। तो ही टोल्ड मी का मी, और कनेक्टिव दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगेगा। अब आई जो है, आपको पता चल गया कि आई जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आई को यहाँ से उड़ा दो, उड़ाने के बाद यहाँ लगाओ ही। अब विल और शैल को चेंज करना है वुड में, तो ही के साथ लगाओ वुड, और टीच का रहेगा टीच, और टुमारो का आएगा, अभी जो रूल किया टाइम और डिस्टेंस वाला उसमें टुमारो को चेंज करना है द नेक्स्ट डे, इसमें चेंज करना है द नेक्स्ट डे में। तो ये सारे जो रूल्स हैं इनको पहले अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, और उसके बाद अपने को इनमें अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको अच्छी